नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरुही मेश्राम, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। PCF1 जीव बने महिप गुप्ता, राजन वन विभाग के 11 RSS के वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के साथ तबादले हुए हैं। नागपुर वन मुख्यालय के प्रधान मुख्य वन संरक्षण विकास गुप्ता को महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडल के प्रबंध संचालक पद पर पदोन्नति मिली है। चंद्रपुर वन अकादमी के संचालक व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण मोहित गुप्ता को पदोन्नति देकर राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षण पद की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण शोमी दा विश्वास को प्रधान मुख्य वन संरक्षण नागपुर वन विकास महामंडल के मुख्य महाप्रबंधक एवं श्रीनिवास रेड्डी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण व चंद्रपुर वन अकादमी के संचालक पद की जिम्मेदारी ली हुई है। आरोप अंधारी व्याग प्रकल्प के उप संचालक जी गुरु प्रसाद को उप वन संरक्षण कोल्हापुर नागपुर, डॉक्टर वेदवास को राज्य जैव वैविध्य महाराष्ट्र संचालक वन संरक्षण सातावड़ी वन विकास महामंडल के विभाग के प्रबंधक कुशक पाठक को उप संचालक ताड़ोबा अंधारी व्याग कर भवन विकास महामंडल के विभागीय प्रबंधक नितिन कुमार सिंह को उप वन संरक्षण धूले को संरक्षण यावर प्रमाण वन संरक्षण कोल्हापुर नितिन को घोषित किया गया है। विधान भवन को बड़े परिसर में स्थानांतरित करें। इंटक के सचिव तथा पूर्व विधायक SQ जामा ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखकर कहा कि नागपुर में स्थित विधान भवन की जगह और पर्याप्त होने की वजह से इसे शहर के बाद थाना अंतर्गत किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय यह है कि नार्वेकर ने हाल में विधान भवन पहुंचकर इसका जायजा लिया था। इसके बाद उन्होंने हर जगह और पर्याप्त होने की बात भी की थी। जमा ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि वर्ष 2006 से 2012 दौरान MLSC के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अंतिम समाधान के रूप में वर्तमान विधान भवन नागपुर से वर्धा रोड पर स्थानांतरित करने का मामला उठाया था। हालांकि उस समय ठुकरा दिया गया था, लेकिन आज इसकी बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है। वर्तमान विधान भवन का निर्माण 1960 में CPO राज्यों के गठन से बहुत पहले किया गया था। अब RTO की 98 सेवाएं मिलेंगी ऑनलाइन। आधार क्रमांक का इस्तेमाल कर फ्रेश पद्धति से अब तक RTO में प्रकाशित ही जाती थी, उनकी संख्या बढ़कर 98 कर दी गई है। इससे वाहन धारकों को RTO कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लर्निंग लाइसेंस से लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ऑनलाइन सेवा के तहत लर्निंग लाइसेंस लेकर डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट की सेवाएं शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है कि इसके अलावा डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन, डुप्लीकेट लाइसेंस नवीकरण NOC RC अथवा लाइसेंस का पता बदलने 28 सेवाएं ऑनलाइन मिल सकेंगी। 18 से बढ़कर 28 सेवाएं ऑनलाइन। पहले से ऑनलाइन सेवा RTO 18 सेवाओं का समावेश किया गया है, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 28 कर दी गई है। फिलहाल परमानेंट लाइसेंस की सेवा के लिए वाहन चालकों को RTO कार्यालय में ही आना होगा। फैसले सेवा के माध्यम से RTO कार्यालय में आए बगैर RTO सेवा का लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि parivahan.government.in पर आवेदन करते समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आता है, इसका लाभ लिया जा सकता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।